हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्प के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, यहां पे बात कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर के, कि अभी तक की अपडेट क्या है रिजल्ट को लेकर के, उसी के बारे में जान लेंगे। तो बिल्कुल अभी की न्यूज है, ये NDTV की तरफ से दी गई है। तो जान लेंगे कि रिजल्ट को लेकर क्या समय अभी दिया गया है, रिजल्ट आने में कितना समय लग सकता है। तो जानिए रेलवे अधिकारी ने रिजल्ट को लेकर के क्या कहा है, तो ऑफिशियल अपडेट क्या है रिजल्ट को लेकर के वो भी जान लेंगे। तो अगर आपने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है फ्रेंड, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं आपको पूरा अपडेट बता सको। तो फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए देख लेते हैं पूरी न्यूज। तो आप देख सकते होंगे फ्रेंड, ये न्यूज जो है वो NDTV की तरफ से दी गई है। तो रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है चलिए जान लेते हैं। RRB ग्रुप डी रिजल्ट 2019, जानिए कब जारी होगा ग्रुप डी का रिजल्ट। तो RRB अधिकारी ने कही है ये बात। तो जी हाँ फ्रेंड, ये बात कही गई है रिजल्ट को लेकर के क्या कहा गया है, तो चलिए जान लेते हैं। RRB ग्रुप डी रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अभी रिजल्ट जारी करने की कोई भी तारीख तय नहीं की गई है, लेकिन रिजल्ट फरवरी के मध्य में जारी किया जाएगा। देख सकते होंगे फ्रेंड, ये अभी की अपडेट दी गई है NDTV की तरफ से 13 फरवरी 10:56 AM का, अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले का ये अपडेट है। तो चलिए जान लेते हैं और क्या कहा गया है। मध्य फरवरी के हिसाब से रिजल्ट 13 फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, 13 फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। तो आज 13 फरवरी, तो आज रिजल्ट आने के बहुत ही कम चांस है। तो रिजल्ट जो है वो 13 फरवरी के बाद ही जारी किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे रिजल्ट को लेकर नोटिस भी जारी किया जाएगा, तो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। तो ग्रुप डी पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट फरवरी के मध्य में जारी करेगा। RRB के एक वरिष्ठ अधिकारी ने NDTV को बताया है ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो फरवरी के मध्य में जारी किया जाएगा। अभी रिजल्ट जारी करने के लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। जल्द ही रिजल्ट जारी होने की तारीख से संबंधित एक नोटिस RRB की सभी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। जी फ्रेंड, आप देख सकते होंगे यहाँ पे बताया गया है रिजल्ट से संबंधित एक नोटिस जारी करेगा RRB। तो आप रिजल्ट को लेकर के परेशान मत होइए जो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट से संबंधित एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा सभी जोन के वेबसाइट पर। तो आपको 1 से 2 दिन पहले बता दिया जाएगा कि रिजल्ट जो है वो इस डेट में आने वाला है। तो ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट या कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया गया। आप देख सकते होंगे किसी भी जोन में तो अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया है। तो नोटिस जारी होने में अभी समय है फ्रेंड। तो मैं आपको बता दूं कि हालांकि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक परीक्षा का रिजल्ट 17 फरवरी को जारी किया जाएगा, और इस पर क्या कहा गया है कि NDTV ने बात किया है इस पर कि 17 फरवरी को रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। तो आगे एक लाइन में पढ़ रहा हूं, हमने इस पर अभी RRB के अधिकारी से बात की, उन्होंने इस तरह की खबरों को नकार दिया है फ्रेंड। जी हां फ्रेंड, जो आप खबरें यूट्यूब पर सुन रहे हैं कि 17 फरवरी को जो रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, इसकी कोई भी पुष्टि नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है कि 17 फरवरी को ही रिजल्ट जारी होगा। यहाँ पे सीधी सीधी से यहाँ बात को नकार दिया गया है कि RRB के अधिकारी से बात की है उन्होंने, यानी कि NDTV ने बात की है, और उन्होंने इस खबरों को नकार दिया कि उनका कहना कि अभी रिजल्ट को जारी होने में समय है, उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए RRB अधिकारी ने कहा है कि करीब 1.89 करोड़ लोगों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, जबकि इस परीक्षा में 1.17 करोड़ उम्मीदवारों ने भाग लिया था। तो इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करना एक बड़ा काम है। हम नहीं चाहते कि रिजल्ट में कोई भी गलती हो, लेकिन अगर फरवरी मध्य में हिसाब से देखा जाए तो परीक्षा का रिजल्ट 13 फरवरी के बाद किसी भी दिन जारी किया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड, कोई भी कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन 13 फरवरी के बाद ये निश्चित हो गया है कि 13 फरवरी के बाद किसी भी दिन आपका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है फ्रेंड। और रिजल्ट से संबंधित एक नोटिस भी जारी किया जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। उसके बाद आपका PET टेस्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड, आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि जो लोग भी कन्फ्यूजन में है कि रिजल्ट कब आएगा, तो मैंने आपको बता दिया इस वीडियो में कि 17 तारीख को लेकर के कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, तो 13 तारीख के बाद किसी भी दिन रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की पल पल की अपडेट देता रहता हूँ फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।